Hello students, welcome back. Today we are gonna continue with our third chapter, that is the rats and the elephant. Matlab chuhe aur hathi. So let's begin. Here some questions are given. Are we all of the same size? Kya hum sabhi ek size ke hain? So answer would be no. Next question. Can a smaller animal help a bigger animal? Kya ek छोटे साइज का जानवर बड़े साइज के जानवर की हेल्प कर सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको चैप्टर रीड करने के बाद में मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, डू यू हेल्प देम? मतलब ऑफन का मतलब होता है यूजुअली. आपको यूजुअली कहा जाता है आपके छोटे भाई बहनों की, यंगर मतलब छोटे, छोटे भाई बहनों की हेल्प करने के लिए आपको कहा जाता है, तो आप उनकी हेल्प करते हैं? देन डेफिनेटली वी डू, इट मीन्स यस. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हेल्प यू, और आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो आपकी हेल्प कैसे करते हैं? ओके, सो लेट्स रीड. लॉन्ग लॉन्ग अगो, मतलब बहुत टाइम पहले, अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मतलब जंगल, हैप्पीली मतलब खुशी से, लिव मतलब रहना, और ग्रुप मतलब समूह. तो बहुत टाइम पहले एक चूहों का समूह या चूहों का ग्रुप एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में खुशी खुशी रहता था. वन डे, एक दिन, अ हर्ड ऑफ एनिमल्स, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हर्ड होता है एलिफेंट्स का ग्रुप. तो अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर. एक दिन क्या हुआ, हाथियों का एक झुंड उस एरिया से गया, उनके जहाँ पे चूहे रहते थे उस एरिया से गया, किस लिए? पानी की खोज में. मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर दियर बिग फीट, मतलब हाथियों के पैर बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो चूहों के जो घर थे उन हाथियों के पैर के नीचे दबने से वो डिस्ट्रॉय, मतलब विनाश हो गया उनका. सम रैट्स वर आल्सो किल्ड, और उनके घरों का नाश तो हुआ ही, लेकिन साथ में कुछ चूहे भी मर गए उनके पैरों के नीचे आके. द किंग ऑफ रैट्स, मतलब चूहों का जो राजा था उनका नाम क्या था, मूषक राज. वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट, जो चूहों के राजा थे मूषक राज, वो हाथियों के राजा के पास में गए जिनका नाम क्या था, गजराज, यानी कि हाथियों के राजा. एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रो अनदर रूट टू द पॉन्ड, और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अपने हाथियों के झुंड को तालाब की तरफ ले जाने के लिए किसी दूसरे रास्ते का यूज करे. ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, तब गजराज ने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की. एंड टोल्ड द एलिफेंट, और हाथियों को बोला टू टेक द अदर वे, दूसरे रास्ते से जाने के लिए बोला, विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, चूहों को परेशान किए बिना. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. मूषक राज वाज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विद गजराज. मूषक राज जो थे वो बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे, और गजराज को थैंक यू कर रहे थे. ही थैंक्ड हिम एंड प्रोमिस्ड दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट इफ नीडेड, और उन्होंने गजराज से प्रोमिस किया कि जब भी एलिफेंट्स को रैट की नीड होगी, नीड मतलब जरूरत, जब भी एलिफेंट्स को रैट की हेल्प की जरूरत होगी तो वो हमेशा उनकी हेल्प करेंगे. हियरिंग दिस, मतलब ऐसा सुनने के बाद, द एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ्ड थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट. जब उनके प्रॉमिस की बात सुनी तब कुछ हाथी जो थे उनके ग्रुप में वो हंसने लगे, कि ये सोचकर कि जो छोटे चूहे हैं वो इतने बड़े हाथियों की हेल्प कैसे करेंगे. देन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, वन फाइन डे, एक दिन, वेन द रैट्स वर प्लेइंग, चूहे खेल रहे थे, दे हियर्ड लाउड शाउट्स ऑफ एलिफेंट कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड. हर्ड मतलब सुनना, शाउट्स मतलब चिल्लाने की आवाजें, डायरेक्शन मतलब दिशा. तो जब चूहे खेल रहे थे तब उन्होंने हाथियों के चिल्लाने की आवाज सुनी,
किस डायरेक्शन से, जिस डायरेक्शन में पोंड था। मुशक राज रियलाइज्ड दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर। तब मुशक राज जी को लगा कि एलिफेंट्स जो है वो खतरे में है। देन ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। तब उन्होंने अपने जो चूहों का ग्रुप था उनमें से कुछ स्ट्रॉन्ग चूहे जो थे उनको बुलाया और उनके साथ जिस डायरेक्शन से चिल्लाने की साउंड आ रही थी उस डायरेक्शन में जाने को कहा। नियर द पॉन्ड, नियर मतलब पास में, तालाब के पास में दे सा उन्होंने देखा द एलिफेंट कोट इन द ट्रैप्स कैप्ट बाय सम हंटर्स। कैट कोट मतलब पकड़े हुए, ट्रैप मतलब जाल और हंटर्स मतलब शिकारी। उन्होंने देखा कि जो कुछ एलिफेंट्स थे वो जाल में फंसे हुए थे, किनके द्वारा, हंटर्स के, शिकारियों ने उन्हें जाल में फंसा कर रखा हुआ था। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टीथ। क्विकली मतलब तेजी से, बाइटिंग मतलब खाना या फिर कुतरना, रोप्स मतलब रस्सी एंड शार्प टीथ मतलब तीखे दांत। रैट्स ने क्या किया, जल्दी से अपने तीखे दांतों से उन रोप्स को बाइट करना स्टार्ट किया। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, और जल्द ही, सून मतलब जल्द ही, एलिफेंट्स जो थे वो फ्री हो गए, मतलब उनकी जो रस्सियों से वो बंधे हुए थे उनसे वो फ्री हो गए। दे थैंक्ड द रैट्स एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज। और उन्होंने फ्री होने के बाद में रैट्स को थैंक यू कहा, और जो उन्होंने उन पे लाफिंग की थी कि उन्होंने, रैट्स ने कहा था ना कि हम आपकी हेल्प करेंगे, और इस पे एलिफेंट्स जो थे वो उन्होंने लाफिंग की थी, तो उनके उस बिहेवियर के लिए रैट्स से एलिफेंट्स ने सॉरी भी मांगी। ओके, तो यहाँ पे आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला कि छोटे साइज के एलिफेंट, छोटे साइज के एनिमल्स भी बड़े साइज के एनिमल्स की हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्लोसरी, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है हर्ड। हर्ड मतलब जानवरों का झुंड, लाइक हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का झुंड। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, रूट मतलब रास्ता, प्लीज्ड मतलब हैप्पी और सेटिस्फाइड मतलब खुश रहना, प्रोमिस मतलब वादा करना, शाउट मतलब चिल्लाना, रियलाइज समझना, डेंजर खतरा, प्लीज्ड खुश, प्रोमिस्ड वादा करना, शाउट आवाज, रियलाइज समझना, डेंजर खतरा, डायरेक्शन दिशा, ट्रैप जाल या फिर पिंजरा, और हंटर मीन्स शिकारी। सो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड विद दिस। थैंक यू।